हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, साइन 22 डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन ए अपॉन बी, सेक 20 डिग्री माइनस साइन 68 डिग्री। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया है साइन 22 डिग्री ए अपॉन बी, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम ट्राई एंगल परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपोटेनस ये है, तो हमारा परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और हाइपोटेनस बी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ए हो गया और हाइपोटेनस बी। हमें बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट में, हाइपोटेनस कितना है बी है तो लिखेंगे बी का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर कितना है ए है तो लिखेंगे ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में। अब देखिए यहाँ पर है सेक 22 डिग्री, तो सेक 22 डिग्री ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है, बी है, बेस कितना है ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हाइपोटेनस बी और बेस हो गया स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है साइन 22 डिग्री इक्वल टू ए अपॉन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 22 डिग्री इक्वल टू ए अपॉन बी। हम सभी फार्मूला इसको हम बदल सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, इसको हम ऐसे बदल सकते हैं। अब इसके बाद हम सभी जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा जगह 68 है तो लिखेंगे 68 डिग्री इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब इसकी मदद से हम साइन 68 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, तो लिखेंगे ठीक ट्राइंगल हो गया। और कॉस हम सभी जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ए हो जाएगा, हाइपोटेनस बी हो जाएगा, तो लिखेंगे बेस हमारा ए हो गया, हाइपोटेनस बी हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो लिखेंगे बी का स्क्वायर माइनस बेस है ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें वैल्यू किसका निकालना था, साइन 68 डिग्री का वैल्यू निकालना था। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है ये है तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में अपॉन हाइपोटेनस बी है। अब हम पूरा वैल्यू निकालते हैं कि क्या था हमारा सेक 22 डिग्री माइनस साइन 68 डिग्री। तो सेक 22 डिग्री का वैल्यू कितना आया था बी अपॉन स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस साइन 68 डिग्री की वैल्यू ये है तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में होल अपॉन बी। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस से लिए अंदर का साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर होल अपॉन बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो यही हमारा राइट आंसर है।